हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम सोनू झा, पाथफाइंडर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। टुडे आई विल टॉक अबाउट द सोल्जर। द सोल्जर कविता के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यह बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट टू की कविता है, जिसको लिखा है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया यह कविता है द सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। सैनिक की बात आज करनी है। रूपर्ट ब्रूक एक सैनिक थे और अपनी देशभक्ति को, अपनी मदरलैंड से प्रेम को दिखाने की कोशिश करते हैं। रूपर्ट ब्रूक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इनकी जन्म 1887 में हुआ था। 1887 ईस्वी में रूपर्ट ब्रूक की जन्म हुई थी, लेकिन ये यंग एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ 1915 में, यानी कि 1915 ईस्वी में हुई थी। अब बात उठता है कि इस चैप्टर का नाम सोल्जर रखने का क्या इंटेंशन था, रूपर्ट ब्रूक का क्या उद्देश्य था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह पोयम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि 1914 में लिखा गया था। 1914 ईस्वी में लिखा गया था, जब दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि युद्ध में सम्मिलित हो रही थी। जब दुनिया के सैनिक युद्ध कर रहे थे, तब उसका एक पार्ट, एक भाग थे रूपर्ट ब्रूक। किस युद्ध में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड से कि बताइए रूपर्ट ब्रूक किस युद्ध में शामिल होना चाहते थे या फिर शामिल थे। तो आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए थे रूपर्ट ब्रूक। चलिए अब बात करते हैं, रूपर्ट ब्रूक की यह कविता सोनेट पोएम कहलाती है। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सोनेट होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी पोएम 14 लाइन्स में लिखी जाती है, 14 लाइन में लिखी जाती है, वह सारी कविताएं जो है सोनेट पोएट का पोएम कहलाता है। यानी कि द सोल्जर एक सोनेट पोएम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि रूपर्ट ब्रूक यह पोएम लिखने से पहले अपनी इरादा, अपनी मदरलैंड के लिए प्रेम, अपनी जो है देश के लिए जो जुनून, जज्बा होनी चाहिए एक सैनिक का, यह सब जाहिर करने की कोशिश करते हैं। यह केवल इंग्लैंड की बात नहीं है, यह दुनिया के प्रत्येक सैनिक के लिए एक प्रेरणा, एक उत्तेजना और एक सोच देने की कोशिश करते हैं द सोल्जर चैप्टर के माध्यम से। तो चलिए इनकी कविताओं के बारे में कुछ जाने। ये कविताएं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, उस समय रूपर्ट ब्रूक युद्ध में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? युद्ध लड़ रहे थे। और युद्ध लड़ने से पहले उन्होंने एक कल्पना किया कि अगर मेरी युद्ध में लड़ते लड़ते मौत हो जाए तो फिर मेरे साथ क्या क्या हो। यह उस देश की कविता है जिस देश ने इस भारतवर्ष पर 200 साल तक शासन किया। यह उस देश की कविता है जिस देश ने भारतवर्ष को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ा। यह उस देश की कविता है जिस देश ने भारत को पूर्णतः लगभग बर्बाद कर दिया। लेकिन ये उस देश से प्रेरित नहीं, यह जो कविता जो है पूरी दुनिया की एक सैनिक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए आज इस कविता को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आपको हिंदी बताएंगे। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन पोयम पढ़ते हैं द सोल्जर यानी सैनिक। पोयम स्टार्ट करें उससे पहले आप इस पोयम के कुछ वर्ड को देख लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि पोयम की हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट कहा जाता है। वार पोएट वैसे पोएट यानी वैसे कवि को कहा जाता है जो किसी युद्ध पर कविताएं लिखते हो या युद्ध की एक्सप्लेनेशन करते हो। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि द सोल्जर सोनेट पोएम है, जबकि रूपर्ट ब्रूक वार पोएट है। अब दूसरी बात यहाँ पर जो आपको माइंड में रखनी है कि यह द सोल्जर यानी रूपर्ट ब्रूक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पार्ट थे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के भाग थे। क्योंकि आप जानते हैं कि इनकी जो है मौत 1915 यानी 1915 में हो गई थी और 1914 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, यानी उसी का भाग थे।
आपको यह भी ध्यान रखना है कि रूपर्ट ब्रूक जो है यंग एज में उनकी मौत हो गई थी। और मैं इम्पोर्टेंट एक लाइन आपको जोड़ना चाहूंगा कि रूपर्ट ब्रूक नेवी के एक जो है सो की सैनिक थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पोयम की फर्स्ट लाइन क्या कहती है हम लोग देखते हैं। If I should die, think only this of me, that there are some corner of a foreign field. फर्स्ट स्टेंजा में रूपर्ट ब्रूक कहते हैं कि यदि मेरी मृत्यु युद्ध के समय हो जाए, अगर मेरी मौत युद्ध के समय लड़ते लड़ते हो जाए तो मुझे जो है उसमें कोई चिंता नहीं होगी, कोई भय नहीं होगी, कोई डर नहीं होगी। और मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर मेरी मौत किसी दूसरे देश में भी होती है तो वह जमीन, वह जगह जो होगा वह इंग्लैंड का हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन का भी कहते हैं, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंसल्ट। यह जो इंग्लैंड की धनवान धारा है, यह जो इंग्लैंड की समृद्ध भूमि है, यह जो इंग्लैंड का जो समृद्ध जगह है, इस जगह पर मैं पला बढ़ा हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरा शरीर भी धनवान है, मेरा शरीर भी समृद्ध है। और यदि यह शरीर किसी दूसरे देश की किसी जगह पर किसी भूमि पर दफनाई जाएगी, अगर उसका अंतिम संस्कार वहां किया जाएगा, तो ये जो मिट्टी है, ये जो इंग्लैंड का मेरा शरीर जो मिट्टी है, वह उस धरा को धनवान बना देगा। और वह धरा जो है सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। यहाँ पर डस्ट का मतलब कहते हैं कवि कि वह डस्ट का मतलब यूज करते हैं अपने बॉडी को, अपने शरीर को, कहते हैं मेरा जो शरीर है यह इंग्लैंड की भूमि से बना है, इंग्लैंड की हवा से बना है। और ये जो है सो कि हम जब कहीं मरेंगे तो यह जो धरा, मेरी जो शरीर है, यह उस धरा में मिल जाएगी, तो वह धरा इंग्लैंड की हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं कि अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर सेप्स मेड अवेयर गिव वंस हर फ्लावर टू लव हर वे टू रोम अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश। मैं अपने लोगों को यह बताना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ जो इंग्लैंड की जो फ्लावर है, इंग्लैंड का जो फूल है, इंग्लैंड में मैंने सांस लिया है, इंग्लैंड की फूलों ने मुझे प्यार करना सिखाया है, मैं हमेशा प्रेम की भावना करता हूँ। और इंग्लैंड एक ऐसा देश है संसार में जो प्यार, स्नेह, प्रेम, अपनी मदरलैंड के लिए मलर मिटने की जुनून, जज्बा, वो जो है सो की ताकत देता है, ऐसा मेरा देश इंग्लैंड है। यह सब बात कौन बोलते हैं? रूपर्ट ब्रूक। किस चैप्टर में बोलते हैं? द सोल्जर। द सोल्जर का मतलब क्या होता है? सैनिक। कि इंग्लैंड की जो फ्लावर है, मैंने इंग्लैंड में सांस लिया है, मैंने इंग्लैंड की जो है सो की भोजन लिया है, और अगर आज जो है सो इस इंग्लैंड को मेरे शरीर की जरूरत है, मेरे जो है सो की जुनून की जरूरत है, जज्बा की जरूरत है, तो मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं यह कल्पना, मैं यह जो है सो की अपना इंटेंशन, इरादा जो है पूरी संसार की सैनिकों के लिए देना चाहता हूं। नेक्स्ट लाइन कहता है कि वास्ट बाय द रिवर ब्लेस्ड माय सन्स ऑफ होम। मैंने यहाँ की नदी में, मैंने यहाँ की झीलों में खिला है, कूदा है, यहाँ की नदी में नहाया है, यहाँ की सूरज की रोशनी ली है, यहाँ की जो है सो की या धरा यानी इंग्लैंड की जो सूरज की रोशनी ली है, इंग्लैंड की जो धरा यानी कि नदी में मैंने स्नान किया है, वह बहुत ही मुझे आनंदित करता है। और यही जुनून और यही जो मातृभूमि का प्रेम है, इसके कारण मैं आगे युद्ध में लड़ने की जुनून क्रिएट कर पाता हूँ, जुनून, जज्बा मेरे पास आती है, और इस धरा, इस भूमि के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत है। नेक्स्ट लाइन कहता है, आई थिंक दिस हर्ट ऑल यू विल सेड अवे अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस गिव समवेयर बैक टू थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। मैं सोचता हूं कि जब मैं युद्ध में रहूं तो मेरी जितनी भी बुराइयां हैं वह सब खत्म हो जाए, मेरे शरीर, मेरे माइंड में लेस मात्र संशय न हो, संचय न हो, कि मेरे अंदर जो है एक डर क्रिएट हो,
मैं उस जुनून जज्बा के साथ युद्ध में जाना चाहता हूँ, और अगर मेरी मौत हो जाएगी, अगर मैं लड़ते लड़ते कहीं मेरी मौत हो जाए, तो मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यह जो मेरा शरीर है, जो पाप ग्रस्त है, वह सभी बुराइयों से ऊपर उठ जाएगा, सभी बुराइयों से निकल जाएगा। ऐसा सोच लेकर मुझे लड़ना है, क्योंकि कवि फर्स्ट वर्ल्ड वार के एक भाग है, और उस युद्ध के समय जो है सो कि यह कविता लिखी गई है। कवि बड़ी सोच से कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए, तो मेरे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं सब खत्म हो जाएगी, सब जो है सो कि नष्ट हो जाएगा, और मैं जो हूँ एक स्वच्छ हेवेंस मिलेगा, यानी कि स्वर्ग मिलेगा। ऐसा कल्पना करते हैं रॉबर्ट ब्रूक, किस चैप्टर में करते हैं, द सोल्जर। आगे कवि कहते हैं कि जब मैं युद्ध में हूं, तो मेरे अंदर तनिक सा सोच यह न हो कि मैं युद्ध से पीछे हो जाऊं, मैं लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं, ऐसी कल्पना मैं करता हूं, परंतु मेरे दिमाग में कहीं से यह क्वेश्चन न उठे कि मैं युद्ध से पीछे हो जाऊं। अब कवि नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि हर साइट एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी एज हर डे एंड लाफ्ट लर्नड ऑफ प्रिंस एंड जेंटल लेडीज। कवि कहते हैं कि यह इंग्लैंड का जो प्रत्येक दृश्य है, प्रत्येक साउंड है, प्रत्येक आवाज है, प्रत्येक जो हर चीज है, वह बहुत ही खुशी देता है, आनंद देता है, और मैं आज अपने दोस्तों से, अपने जेंटलमैन से बताना चाहता हूं कि संसार में कोई भी धरा इतनी खूबसूरत नहीं जितनी कि इंग्लैंड की है। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है कि द सोल्जर चैप्टर रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, और रॉबर्ट ब्रूक एक खुद सोल्जर है, एक खुद सैनिक है, इसलिए वो जो है चाहते हैं अपने देश की परिकल्पना करना, अपने देश के बारे में अच्छी अच्छी बातों को बताना। ठीक वैसे ही जैसे कि दुनिया का प्रत्येक सैनिक का अपना कर्तव्य, अपना धर्म होता है कि वो अपने देश की व्याख्या करे, अपने देश के लिए व्याख्यान करे, अपने देश के लिए आगे बढ़े, अपने देश की बात सर्वोपरि रखे, ऐसी ही बात रॉबर्ट ब्रूक कहते हैं कि हमारा जो इंग्लैंड है, जहाँ की जो है सो की हर तरफ केवल खुशियां हैं, केवल जो है सो की आनंद है, और यहाँ पर साउंड हो या फिर की कोई दृश्य हो, वह हमें हमेशा आनंदमय बनाते रहता है, ऐसी कल्पना कौन करते हैं, रॉबर्ट ब्रूक। और अपने दोस्तों को, अपने जेंटलमैन को कहना चाहते हैं कि ये जो हमारी धरा है, ये जो हमारी इंग्लैंड है, वो संसार में सबसे सुखद धरा है, सबसे सुखद जो है सो की भूमि है। अब नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं कि इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। मेरी जो धड़कन की आवाज है, मेरी जो आत्मा की आवाज है, मेरी जो दिल की आवाज है, वह कहती है कि इंग्लैंड हमेशा शांति चाहता है, इंग्लैंड हमेशा शांति में विश्वास करता है, ऐसा रॉबर्ट ब्रूक कहते हैं। और इंग्लैंड की जो धरा है वही तो स्वर्ग है, ऐसा कौन कहते हैं, रॉबर्ट ब्रूक। ये बात अपने दोस्तों को कहना चाहते हैं, अपने जेंटलमैन को कहना चाहते हैं कि यह जो इंग्लैंड की जो धरा है, यह जो भूमि है, यह केवल शांति चाहती है, और यही देश जो है हमारा, ये जो मातृभूमि हमारा है, वह इस दुनिया का स्वर्ग है, ऐसा रॉबर्ट ब्रूक कहते हैं। लेकिन उनकी यह जो पोयम है वह पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पब्लिश्ड हुई। क्यों हुई? क्योंकि उनकी यह पोयम केवल उनके अपने देश के लिए नहीं है, वो एक सोल्जर की भ्रांति दुनिया के प्रत्येक सैनिकों को एक सीख, एक नई जो है मोटिवेशनल बात करते हैं, जुनून जज्बा और नए तौर पे जो है सो ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। अब यह कविता खत्म होती है। अब आपको बताना है कि यह पोएम आपको कैसा लगा, कमेंट में लिखकर बताएं। हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें। थैंक यू।